ब्यौरा। आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग का आयोजन शासकीय हाई स्कूल ग्राम पंचायत ओड़पुर में रखा गया, जिसमें ग्राम प्रधान बलराम सिंह परमार व सेक्टर प्रभारी एमएल जाटव द्वारा सभी समितियों को बताया कि समस्त ग्राम वासियों का चेकअप कराया जा रहा है। वार्ड 16 में प्रत्येक घर घर में जाकर सभी दल सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि दवाई किट उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन लेवल, शुगर टेस्ट इत्यादि जांच सुविधा ग्राम पंचायत की ओर से कराई जा रही है। तो वहीं ग्राम पंचायत प्रधान, पीसीओ, सेक्टर प्रभारी, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्रकार महोदय रघुवीर सिंह बना, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ जन एवं सचिव संजय यादव मौजूद थे। ब्यावरा से रघुवीर सिंह बना की रिपोर्ट। हाँ बोलो माँ, आप लोग बंद कर रहे हैं। आज ग्राम ओड़पुर में आपदा प्रबंधक की मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें मैं प्रधान बलराम सिंह जी परमार, मार पीसीओ जाटव साहब ने ऑक्सीजन मीटर और गोली दवाइयों और सोशल डिस्पेंसरी के बारे में बताया गया, कैसे बीमारी पर रोकथाम की जाए। 100 किट गोली दवाई के ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराए गए। मैं राजधानी समाचार रघुवीर बना न ब्यावरा से। आज की जो आपने मीटिंग का आयोजन रखा गया आपदा प्रबंधक की, इसमें आप क्या क्या कहना चाहते हैं और कौन कौन सा फायदा लोगों को स्वास्थ्य का दिया जाएगा? देखिए कि ये जो विश्व महामारी फैली हुई है, इसमें आपदा प्रबंधन समिति गांव स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर हर स्तर पर गठित हुई है। इसमें गाँव के गणमान्य नागरिक, गाँव के प्रधान, सचिव, शिक्षक, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और गाँव के प्रबुद्ध नागरिक सबको सम्मिलित करके इस महामारी से निपटने के लिए जो है ये समितियाँ गठित की गई। समितियाँ गाँव-गाँव में जाके, मोहल्ले में जाके जो इसका इसके दुष्प्रभाव को रोकने और क्या अपन उनको प्रेरित कर सकते हैं उनको, इसलिए समितियाँ गठित की। खासकर जो है सामाजिक दूरी और मास्क है और सैनिटाइजर है, गर्म पानी पीना है, 2-3 बार भाप लेना है, गरारे करना है और अधिकृत रूप से जो दवाइयों के जो नाम लिखवाए गए बीमार होने पे वो जरूर अवश्य रूप से नहीं, पंचायत के पास 100 किट है कोई और वर्तमान में पंचायत के पास अभी 100 किट आई हुई है, तो ये अभी बढ़ने जा रही है। सर आपका नाम? एमएल जाटव। यहाँ पद क्या आपका? सेक्टर अधिकारी। सेक्टर अधिकारी, ओके सर। आपके पास ये ग्राम पंचायत द्वारा किट उपलब्ध हो रहा है, इसमें अगर आपको बुखार आती है तो पैरासीटामॉल टेबलेट लेना है, हाथ पैर दर्द, सिर दर्द कुछ भी होता है तो लेना है, बाकी नहीं भी ले तो कोई बात नहीं। ये रेनिटिडिन जो एसिलॉक है ये सुबह का लेनी है आपको एक टाइम। ये बीप्लेक्स फोर्ट के नाम से टेबलेट है, मल्टी विटामिन टेबलेट है, ये दिफोर में आपको एक बार लेना है। ये जिथ्राक्स है, जो गले में आपका इन्फेक्शन होता है तो 5 दिन तक, जब 2 से 3 दिन कोरोना के कुछ जीवाणु गले में रहते हैं, तो आप पर डे दिफोर को अगर ये एक गोली खाएंगे तो वो अंदर आपके लंग्स तक, फेफड़े तक नहीं पहुंचेगा और यहीं आप सुरक्षित बच जाएंगे। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हल्के बुखार, दर्द, बदन दर्द भी होता है तो आप 5 दिन का पूरा किट लें। ये छोटी सी गोली सिट्रीजिन है एलर्जी की, जो आपको रात को लेना है एक गोली रोज, जो अदर अगर आप किसी भी कारण से हल्की एलर्जी है तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। और रेगुलर कंटिन्यू आपका 5 दिन का टेबलेट लेना है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप घबराएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि इस महामारी में सभी साथ दें और दूरी बना के रखें, कोई भी अपनी बीमारी नहीं छिपाए। हर वार्ड में, हमारे ग्राम पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड में टीमें बनी हुई है, शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता जो भी आपके पास आते हैं उनको सही जानकारी दें, घबराए नहीं। मुफ्त में आपके पास गोली दवाई किट पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, पर निवेदन पुनः यह है कि आप सभी सहयोग करें और बीमारी को छिपाए ना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।